नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल लूम टू एक्सप्लोर में। आज हम ऐसी जगह कवर करेंगे जहां बच्चे हो या बूढ़े, सबको यहां घूमना अच्छा लगेगा। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। व्यूअर्स, आर यू रेडी फॉर ए ब्यूटीफुल जर्नी? स्वागत है सालारजंग म्यूजियम में, जो हैदराबाद के ऐतिहासिक शहर में स्थित भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालय में से एक है। दिस म्यूजियम फाउंडेड बाय नवाब मीर यूसुफ अली खान, ऑल्सो नोन एज सालारजंग की। दिस म्यूजियम हाउसेस ए स्टनिंग कलेक्शन ऑफ आर्ट, एंटिक एंड आर्टिफैक्ट्स। With over 43,000 artifacts, 9,000 manuscripts, and 47,000 printed books, it showcases a blend of Indian, Middle Eastern, European, and Far Eastern treasures. देखिए ब्रॉन्ज से बना कितना बहुत पुराना पुराना सब है यहाँ पर। 16 सेंचुरी का सब है, 19 सेंचुरी का नदी का कला आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्रॉन्ज के मूर्तियाँ सब है। सालारजंग म्यूजियम विल गिव ए फेयरली गुड आइडिया ऑफ द इंटीमेट एसोसिएशन ऑफ दिस म्यूजियम ऑफ एक्सप्रेशन विद रिलीजियन इन द डेज बेगो। 16 सदी का नटराज मूर्ति कितना बड़ा है देखिए, और साइड में जो है 20 सदी का है। बड़ा कैबिनेट भी है, वो सब 19 सेंचुरी का है। देखिए पहले ज़माने में कितना सुंदर वुड का कैसे बनाते थे, अभी तो ऐसा नहीं मिलेगा। और देखने में भी बहुत प्राउड फील होता है कि पहले ज़माने में इतना सुंदर सुंदर कल्चर वो था। ये सब डिज़ाइन जो बनाया है ये सब अभी तो नहीं मिलेगा, क्वालिटी वाइज कितना बढ़िया है देखिए। ये जब सब मूर्तियाँ बनाए हैं सब ऊड का ही है, 18 सेंचुरी का वो सब कलेक्शन है यहाँ पर। ये कितना बड़ा गरुड़ जी का मूर्ति है यहाँ पर, 20 सेंचुरी का सब ऊड कलेक्शन रखा गया है। बड़ा बड़ा चेयर हो या सब जो डाइनिंग टेबल हो और अलमीरा हो, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। सालारजंग म्यूजियम हम 7-8 बजे हैदराबाद में थे, बहुत बार आए, लेकिन जितना भी देखे आपको नया नया लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि हमारा इंडिया का जो कल्चर है और आर्ट जो हमारा जो है, मैंने वो आपको मैं बयान नहीं कर सकती। वो भी है ये सब उड का है, लगेगा स्टोन में बनाया गया है लेकिन उड का ही है। और थोड़ा बारीक यह काम देखिए, कितना बारीक बारीक काम किया गया है, जो सबसे अच्छा अनुभूति है। ये वाला तो बस मुझे मस्त लग रहा है, राधा कृष्ण जी का स्विंग कर रहे हैं, वो वाला पोजीशन यहाँ पर दिखाया गया है, वो भी कितना बारीकी से किया गया है। जो स्क्रीन डिपिक्टिंग जो कृष्णा इन डिफरेंट सीन्स जो आप दिखाए, वो थोड़ा दिखाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए वॉल में जो जो ये बनाया गया है, वो छोटा 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 जो बारीकियाँ काम किया गया है आजकल, वो तो देखने के लिए नहीं मिलता। वो जो इतना हमारा ब्यूटीफुल कल्चर है, हमारा इंडिया का जो ब्यूटीफुल आर्ट है, वो रिप्रेजेंट किया गया है
वो यहाँ का एक मेन आकर्षण है 19th सेंचुरी में। निर्मल स्क्रीन इन टू फोल्ड इन 8 पैनल्स। पहले कपड़ा कैसे जो साड़ी हो ड्रेस हो सब मटेरियल दिखाए गए हैं और ग्लास का भी सब कुछ मटेरियल भी है यहाँ पर 19th और 20th सेंचुरी का सब है मैक्सिमम। वो है हुक्का पात्र है और बहुत कुछ है यहाँ पर। और देखिए साड़ी आके से जैसे पहले ज़माने का साड़ी हुआ करता था सिंपल होता है लेकिन देखने में अच्छा लगता है। सब हाथों से हम सबको प्राउड फील करना चाहिए कि हम इंडियन हैं। मुझे तो जब भी मैं सोलार जंग म्यूजियम आती हूँ ये सब देख कर इतना दिल खुश हो जाता है कि मैं भी इंडियन हूँ। मेरा भी जो पूर्वज हैं इतने सुंदर से सब बनाते थे वो सच में वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती सेंटेंस में। वो तो बहुत कम ही होगा जितना भी उनको विलिया बोला जाए। मैं आप सभी का स्वागत है। देखिए हाथी के दांत में कैसे सब बनाया गया है वो दिखाया गया है। कितना बड़ा बड़ा देखिए छोटा छोटा बारीकियां काम किया गया है यहाँ पर। बहुत लोग आ जाए हैं सैटरडे है बहुत लोग आए हैं तो पूरा क्राउड है। आपको नॉइज भी सुनाई दे रहा होगा इसीलिए आपको से माफ़ी मांगती हूँ। देखिए वो जो चेयर भी जो है वो हाथी के दांत से बनाया गया है। कितना सुंदर है देखिए ये सब जो देख रहे हैं वो सब उस टाइम का है। ज्वेलरी बॉक्स देखिए हाथी के रिलेटेड बहुत सारे जो बनाया है क्योंकि सब कुछ हाथी का दांत का है। ये वाला तो बहुत सुंदर लगा छोटा सा है कितना बारीक से काम करना इतना सिंपल तो नहीं है। वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो वो बिगड़ भी सकता है। जो वो सब पेंटिंग भी किया गया है मुगल साम्राज्य के टाइम में सब कुछ है। वो चीन और बर्मा हाथकांड के कलाकृति आप देख सकते हैं ये सब बर्मा और चीन के टाइम में सब है। ऐसा जो बनाना हाथी के दांतों से वो भी बहुत डिफिकल्ट तो है और थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो वो पूरा बिगड़ सकता है। और जो कलाकार थे वो कितना वो एक्सपर्ट होंगे आप सोचिए। बनाना मीन्स हम सोचना भी कैसे लग रहा है कैसे बनाए होंगे लेकिन हाथी दांत का काम है। वहाँ पर भी होता था ये सब। हाथी दांत का कलाकृतियाँ है ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टैचू जैसे खड़ा हुआ है वो बहुत मुझे अच्छा लगा। 12 बजे मैंने आपको जो दिखाया था क्लॉक वहाँ पर तो बहुत भीड़ था मैं पास में वो वीडियो नहीं कर पाई थी। अभी तो लोग नहीं आपको दिखा रही हूँ। वो जब 12 बजता है कि 1 बजे जितना जो टाइम जब बजता है 1, 2, 3 ऐसा बजता है तो एक आदमी बाहर आता है और टंग टंग ऐसा बजाता है। और ये जो ये म्यूजियम का सबसे मेन आकर्षण है ये जो क्लॉक है वो मेन आकर्षण है। ये 19th सेंचुरी का है।
अभी तो मशीन से बनाया गया जाता है, लेकिन वो जैसा बारीकियाँ होता है जो सिलाई करने का जो डिज़ाइन होता है वो तो आजकल नहीं मिलता है। देखिए छोटा छोटा आप पूरा नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाथों से तो बनाया गया है। सेक्शन में आए हैं वो मार्बल से सब कुछ बनाया गया है। रोमन महिला आप देख सकते हैं, सब कुछ मैक्सिमम 19वीं सेंचुरी का सब है। फूलदान के साथ देखिए रोमन महिला, शरद ऋतु के टाइम में कैसे वो जो है वो भी रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर एक महिला को। समर सीजन सब सीजन है, स्प्रिंग सीजन, यहाँ पर देखिए फ्लैश लाइट यूज करने के लिए मना किया गया है। ये वाला जो भी प्रतीक है ये भी एक अच्छा मीन्स मेन आकर्षण है इस म्यूजियम का। वॉकिंग स्टिक्स है जो छड़ी जो से बोला जाता है, प्राचीन कला प्राचीन टाइम में कैसे सब ये सब जो बनाया गया ना फिश बोन में सब जो बनाया गया है। रेयर इवोरी कलेक्शन विथ इंडियन हैंडल्स विथ ए फ्यू वॉकिंग स्टिक्स फ्रॉम यूरोप, सब कुछ इंडोनेशिया का कुछ है, जापान का कुछ है और इंडिया का भी कुछ है जो सब स्टिक्स जो है। यूरोप का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्शंस। जो काम किया गया है गोल्ड देखिए, गोल्ड और सिल्वर का ये सब काम किया गया है यहाँ पर। ऊपर जो ऊपर का पार्ट आप देखेंगे ना कुछ हाथी का दांत से बनाया गया है, कुछ गोल्ड का है कुछ सिल्वर का है सब कलेक्शंस। प्रीशियस स्टोन में भी कुछ कलेक्शन आप देख सकते हैं। ये वाला अच्छा लगे बूट का डिज़ाइन का जो है वो यहाँ पर है, देखिए पैरों का डिज़ाइन का भी कुछ बनाया गया है। देखिए बार्ड शेप में, देखिए फेस जो है बार्ड शेप में है और जो ईगल का है वो गोल्ड के जैसे बनाया गया है।
आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। इसके साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। हम मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग प्लेस में। तब तक के लिए गुड बाय।